देश में जिस तरह से वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसे देखकर हर कोई डरा हुआ है। हालांकि इस वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता वायरस के लिए बने टीके का जमकर विरोध कर रहे थे, वही नेता अब चोरी छुपे तरीके से टीका लगवा रहे हैं और इसका प्रचार भी नहीं कर रहे। दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं ने टीका लगवा लिया है और जिन नेताओं ने टीका लगवाया है उनमें सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी टीका लगवाया है। हालांकि विपक्षी पार्टी के इन नेताओं ने टीका लगवाने के बाद ज्यादा हो हल्ला नहीं किया और ना ही आम जनता से अपील की कि वो भी टीका लगवाएं। वायरस जिस तरह से फैल रहा है उसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, हर तरह से सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वो वायरस से बच सके। आपको बता दें कि फिलहाल जो सरकार है वो हर तरह से काम कर रही है और लोगों को सुरक्षा के बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी करके उन्हें हर तरह से सेफ रखने की कोशिश कर रही है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।